नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें सुजस आवाज राजस्थान के साथ। अपनी बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनाकर देश भर में मिसाल बने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेई और साबरमती नदियों पर जलाशय बनाने के लिए 2554 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उदयपुर की कोटड़ा तहसील में इन नदियों पर जलाशय बनने से पाली और सिरोही जिले के करीब 750 गाँवों को पीने का पानी मिलेगा। जलाशयों का पानी जवाई बांध में छोड़ा जाएगा जो पाली जिले के 9 कस्बों और 560 गाँवों तक और सिरोही जिले के शिवगंज कस्बे और 178 गाँवों तक पहुँच। इसके साथ ही सीएम ने नागौर में भी सड़क निर्माण के लिए करीब 26.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे 54 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। राजस्थान आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। वजह है यहां के लोगों को मिल रही सामाजिक सुरक्षा और आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकार की प्रोत्साहन योजनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने गुजरात दौरे में एक बार फिर इस बारे में चर्चा की। शिक्षा का अधिकार दे दिया, खाद्य सामग्री का अधिकार दे दिया, 2 रुपए किलो गेहूँ 3 रुपए किलो चावल मिलेंगे, ये कानून बना के दिया गया है। इस प्रकार से जो सूचना का अधिकार भी दिया गया, राजस्थान जो साक्षी है, 10 लाख का बीमा भी है, सीटी स्कैन MRI सब फ्री कर दिए। वहाँ पर घर में कोई मृत्यु हो जाए तो 5 लाख मिलेंगे, 3 लाख का कर्जा माफ किसानों का, पशुपालकों को 5 रुपए लीटर सब्सिडी दे रही है। राजस्थान हमने शुरू कर दिया देना, हमने लागू कर दिया OPS ओल्ड एज पेंशन, सब कर्मचारी खुश है। वहाँ पर 8 रुपए में भोजन मिलता है हमारे वहाँ पर सब लोगों को। और शहरों में हमने नरेगा की तरह रोजगार शुरू कर दिया 100 दिन का। सरकारी नौकरियों की जड़ी लगा दी राजस्थान में, हमने 3 लाख नौकरी दे रहे हम लोग। गौरतलब है कि युवाओं को रोजगार देना गहलोत सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री की पहल पर बीकानेर में 29 और 30 नवंबर को मेगा जॉब फेयर लगाया जाएगा। इसमें 10 से ज्यादा सेक्टरों की 50 से अधिक कंपनियां आएंगी। फेयर में रोजगार के 10,000 से ज्यादा अवसर होंगे, कई युवाओं को मौके पर ही प्लेसमेंट मिलेगा। इससे पहले जोधपुर में 11 और 12 नवंबर को और जयपुर में 14 नवंबर को ऐसे ही मेगा जॉब फेयर में हजारों युवाओं को निजी क्षेत्र में सम्मानजनक नौकरियां मिल चुकी हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत बीकानेर से रामेश्वरम गए 125 वरिष्ठ नागरिक कल शाम तक बीकानेर लौट आएंगे। सभी तीर्थ यात्री व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए और गहलोत सरकार के प्रति आभार जताया। कई लोगों ने तो भजन गाकर अपनी प्रसन्नता का इजहार किया। सुजस आवाज राजस्थान की टीम ने कुछ तीर्थ यात्रियों से भी बातचीत की। आइए सुने क्या कहा उन्होंने। ब्रह्मा ऊर्जा बीकानेर से आई हूँ और ये तीर्थ यात्रा करने आई हूँ और मेरे पति के साथ आई हूँ और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और रामेश्वर मदुराई सब तीर्थ अच्छे से करवा दिए और बहुत बहुत गहलोत जी का धन्यवाद। हाँ, मैं बीकानेर से आई हूँ। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री योजना के तहत जो गाड़ी चलाई गई है यात्रा की, उस गाड़ी में हम रामेश्वर जाके आए हैं, मदुराई जाके आए हैं। सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है और खूब अच्छी व्यवस्था में अच्छा सा खाना नाश्ता, हमें कोई प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। प्रदेश का खनन विभाग अवैध खनन के खिलाफ मुहिम तेज कर बड़ी मशीनों की जब्ती, FIR और निगरानी पर जोर दे रहा है। इस साल जुलाई से अब तक 185 मशीनें और 2100 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। 350 से ज्यादा FIR दर्ज कर 140 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर में मत्स्य उत्सव के फ्लोरल शो में शिरकत की। उन्होंने कहा कि अलवर जिले में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, जिन्हें विश्व पटल पर लाना चाहिए। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कार्यालय में डाक टिकट प्रदर्शनी भी लगाई गई। उधर परिवहन राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला झुंझुनू में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि झुंझुनू के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। आज NCC का 74वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर जयपुर सहित प्रदेश भर में कई आयोजन हुए। जयपुर में NCC मुख्यालय में जोधपुर, कोटा, उदयपुर और जयपुर यूनिट्स के 480 कैडेट्स का विशेष प्रशिक्षण चल रहा है। बाड़मेर के PG कॉलेज में कैडेट्स ने पौधे रोपे और स्वच्छता अभियान चलाया। मेधा और अरिंदम से सुनते रहिए दिन भर की हाइलाइट्स। नमस्कार।